Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मिस आरमा डायरी। आज हम एक नए सेशन के साथ आपके साथ आए हैं, जो एक सिंपल भी कह लें इसको, थोड़ा सा क्रिटिकल भी इसको हम कहते हैं। एंड इट्स अ मेजर पार्ट ऑफ दी ऑनलाइन ट्रेनिंग्स, या जितनी भी हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं उसमें मेजर पार्ट होता है रिफ्लेक्टिव राइटिंग या रिफ्लेक्टिव थिंकिंग के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। सो आज का जो टॉपिक भी है सेशन के अंदर, हम जो चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ अबाउट दी रिफ्लेक्शन। सो रिफ्लेक्टिव राइटिंग, इसके ऊपर थोड़ी सी हम डिस्कस करेंगे थारोली सेशन के विद इन 10 to 15 मिनट्स। हम इसको कोशिश करेंगे कंप्लीट कर सकें, क्योंकि रिफ्लेक्टिव राइटिंग इज़ अ वे ऑफ एक्सप्लोरिंग योर लर्निंग। सो इसे हम ये कहते हैं कि जब हम टीचर्स को मोस्टली रिफ्लेक्टिव राइटिंग के बारे में कहते हैं कि थिंक अबाउट वट वी हैव लर्न, तो वो जस्ट राइट डाउन कर देते हैं सम अप के कि ये चीज़ें हमने एनलिस्ट कर दी। जैसे हम लोग मोस्टली टीचर्स क्या करते हैं कि आज के होल डे की लर्निंग 9 to 4 ये चीज़ स्टार्ट की हमने, तलावा से स्टार्ट किया एंड हमें इस टॉपिक पे जाके ख़त्म कर दिया, वो असल में रिफ्लेक्शन नहीं होती। रिफ्लेक्शन इज़ कनेक्टिविटी बिटवीन योर प्रीवियस पीरियड लर्निंग, जो आपकी है उसके साथ जो उनकी कनेक्टिविटी है, क्योंकि रिफ्लेक्शन स्टार्ट फ्रॉम यू। जब स्टार्ट करते हैं, जब हम कहते हैं कि रिफ्लेक्शन स्टार्ट्स विद यू, मींस के बिफोर यू बिगिन टू असेस द वर्ड्स और आइडियाज ऑफ अदर्स, जब आप मास्टर हैं तो ये आपसे खुद से स्टार्ट हुई। यू नीड टू पॉज एंड आइडेंटिफाई एंड एग्जामिन योर ओन थॉट्स। तो इस चीज़ को हम रिफ्लेक्शन यहाँ से जब स्टार्ट हो रही है, तो डूइंग दिस इन्वॉल्व रिविजिटिंग, आप क्या कर रहे हैं, रिविजिटिंग योर प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, आपकी जो प्रीवियस नॉलेज है, थॉट्स, इन सब चीज़ों को अबाउट द टॉपिक इनको रिविजिट कर रहे हैं आप लोग। मैं ये कहता हूँ कि सिंपल टर्म्स में जब आप रिफ्लेक्ट करें तो आप देखें कि बिफोर दैट टॉपिक व्हाट यू हैव नॉलेज एक्सपीरियंसेस आपके क्या हैं, फिर आप जब ड्यूरिंग लर्निंग आते हैं तो अब आप क्या सीख रहे हैं, फिर जब आपने ये सीख लिया तो अब उसके बाद आफ्टर दैट हाउ यू कैन अप्लाई, या उसके अंदर आपके पास क्या चैलेंजेस आते हैं, ये चीज़ें, ताकि आप लर्निंग को बेहतर तरीके से इम्प्रूव कर सकें। सो दिस रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्शन थिंकिंग इज एन अपॉर्चुनिटी टू गेन सेल्फ नॉलेज और वे टू अचीव द क्लियरिटी एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द टॉपिक्स, ताकि आपको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंडिंग आ जाए। ये रिफ्लेक्शन नहीं है कि हमने वी हैव स्टार्टेड द डे विद द होली कुरान एंड नेक्स्ट वी रीड अबाउट, वी परफॉर्म दिस एक्टिविटी। नो, दिस इज़ नॉट अ रिफ्लेक्टिव राइटिंग। यू आर नॉट कनेक्टिंग योर नॉलेज एक्सपीरियंसेस विद द करंट लर्निंग, देन आफ्टर दैट व्हाट यू विल डू दैट विल बी। सो ये सारी चीज़ें हम मैशअप करते हैं इन चीज़ों को, एंड इट्स अ चांस। मैं ये भी टीचर्स को कहता हूँ कि इट्स अ चांस, वी कैन से दैट्स टू डेवलप एंड री इन्फोर्स द राइटिंग स्किल्स, क्योंकि ये रिफ्लेक्टिव राइटिंग है। 12 दिन के अंदर आपको हर डे में लिखनी होती है रिफ्लेक्टिव राइटिंग, तो इससे क्या होगा, आपकी राइटिंग स्किल्स भी बेहतर होंगे, आपको आइडिया होगा कि हाउ टू राइट, एंड इट्स क्वाइट डिफिकल्ट व्हेन यू आर कनेक्टिंग योर थॉट्स एक्सपीरियंसेस with the learning and that. So it's a way of making out what you are going to learn, what you have study. So ये सारी चीज़ें हम इसमें कोशिश करेंगे कि डिस्कस करेंगे। सो इसमें सारी चीज़ें स्टार्ट करते हैं कि what is reflecting, reflective writing, reflective की writing क्या है, या reflections क्या किस तरह दी जाती हैं। Then second thing is that why it is important. So what is reflection and why it is important, and what is importance of reflective writing in teaching learning process. So जब इसको हम डिस्कस करते हैं कि रिफ्लेक्शन इज़ एक पर्पसफुल एक्टिविटी है इन विच यू एनालाइज योर एक्सपीरियंसेस, आप प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, आप अपनी नॉलेज को, अपनी लर्निंग जो आपकी पहले से है उनको, आर योर ओन प्रैक्टिसेस, स्किल्स, रिस्पॉन्सेज इन ऑर्डर टू लर्न एंड इम्प्रूव योर स्किल्स, ताकि आप बेहतर तरीके से इसको सीख सकें। क्योंकि मोस्टली हमारे ट्रेनिंग्स में वो लोग होते हैं जो मोस्टली एडल्ट्स होते हैं, दे हैव एन अक्वायर्ड इनफ नॉलेज, प्रीवियस नॉलेज होती है उनको, एक्सपीरियंस। जस्ट यहाँ पे हम उनको ट्रेन कर रहे हैं, हम उनको डिफरेंट पॉलिश कर रहे होते हैं और स्किल्स दे रहे होते हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि आप इस तरह रिफ्लेक्ट करें कि आप लोगों की खुद की लर्निंग्स एक्सपीरियंसेस और कनेक्ट करें आपकी आज के टॉपिक की लर्निंग
के साथ, ताकि आप लोग बेहतर तरीके से एक डेवलप कर सके। मोस्टली पीपल आर डूइंग व्हाट के दे आर जस्ट कन्वेइंग द इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शंस एंड आर्ग्यूमेंट विद इन द रिफ्लेक्शंस एंड दे आर प्योरली डिस्क्रिप्शन एंड थ्रू देयर मे बी डिस्क्रिप्टिव एलिमेंट्स हैं उनके अंदर, या फॉर एग्जाम्पल दे आर जस्ट फॉरवर्डिंग देयर डायरेक्ट दे आर गिविंग द जजमेंटल स्टेटमेंट्स इन दैट whether something is right or wrong or good or bad. So in they are just sharing the summary of the whole day, what we have learned only. They have an like an some people are just writing an essay type questions. So ye sari cheeze hum isme nahi karte, there's in a way, because जब हम ये चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं रिफ्लेक्शंस के अंदर, सो रिफ्लेक्शंस हम डेली बेसिस पे कर रहे होते हैं। आप अपनी लाइफ में कहीं पे भी हों, आप स्कूल्स के अंदर हों तो रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। तो जस्ट लाइक वी रिफ्लेक्ट क्वाइटली नेचुरली इन आवर डे टू डे लाइफ, थिंकिंग अबाउट द थिंग्स व्हाट हैपेंड, किस तरह हैपेंड होती हैं, व्हाई दे हैपेंड, वेदर वी हैंडल देम वेल। सो इन जस्ट लाइक दैट कि आप लोग ये डेली सोचते हैं कि मैं ये चीज़ें किस तरह हो रही हैं, हम इसको किस तरह कर सकते हैं, क्यों हो रही हैं, हम इसको किस तरह हैंडल करना चाहिए, तो इनके ऊपर आप डेली रिफ्लेक्ट करते हैं। तो इसी तरह जब आप ट्रेनिंग में या किसी अकेडमी के अंदर यू मे बी आस्क, आप लोगों से पूछा जाता है कि टू फॉर्मलाइज यूर रिफ्लेक्शन टू शो दैट लर्निंग इज टेकिंग प्लेस, किस तरह जो लर्निंग आप जो है ये हो रही है आपके लिए, कितनी बेनिफिट है इसमें, आपको क्या चीज़ इंटरेस्टिंग लगी, तो इसके ऊपर आपको जस्ट यू हैव टू रिफ्लेक्ट। सो रिफ्लेक्ट ऑन योर ओन प्रोफेशनल और एकेडमिक प्रैक्टिसेस के ऊपर आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट करना है। सो दैट्स वे वी कर, इट्स अ पर्पसफुल एक्टिविटी है, इसको आप इंजॉय करके करें। सो दिस रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्शंस में इन्वॉल्व रिफ्लेक्टिंग ऑन योर ओन प्रोफेशनल एंड एकेडमिक प्रैक्टिसेस के ऊपर आप रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। आप इसमें क्या कर रहे हैं, आप लोग स्क्रूटनाइज कर रहे हैं एक्सपीरियंसेस एंड द वे यू डील विद इट। जैसे आप लोग कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको आप अपने एक्सपीरियंसेस के साथ इनको अलाइन कर रहे हैं कि व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न, देन यू आर गोइंग टू इवेल्युएट अ प्रोजेक्ट। फॉर एग्जांपल इफ यू आर, दिस में इन्वॉल्व्स यू टू इवेल्युएट अ प्रोजेक्ट और एक्सपेरिमेंट एंड कंसीडरिंग हाउ टू डू इट बेटर नेक्स्ट टाइम, ठीक है। तो इसके ऊपर आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लेसन प्लान हमने टीच किया, तो लेसन प्लान के लिए ये कोई नई चीज़ तो नहीं है, आप लोग ऑलरेडी टीचर्स हैं, तो इसके ऊपर थिंक करें, रिफ्लेक्ट करें ऑन योर पर्सनल, ताकि आप इसको और मज़ीद बेहतर तरीके से अप्लाई कर सकें, आप बना सकें, डेवलप कर सकें, उसकी डिलीवरी को बेहतर कर सकें। सो ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है हमारे रिफ्लेक्टिव राइटिंग के अंदर, रिफ्लेक्शंस के अंदर। सो रिफ्लेक्टिंग ऑन थिंग्स यू हैव रीड एंड थिंकिंग थ्योरी विद प्रैक्टिकल एंड रियलिटी, सो ये सारी चीज़ें आप कनेक्ट कर रहे होते हैं। ये मुझे कोटेशन काफ़ी अच्छी लगी गिब्स साहब की, 1988 के अंदर ये कहते हैं, इट्स नॉट सफिशिएंट टू हैव एन एक्सपीरियंस इन ऑर्डर टू लर्न, विदाउट रिफ्लेक्टिंग ऑन दिस एक्सपीरियंस इट मे क्विकली बी फॉरगॉटन और इट्स लर्निंग पोटेंशियल लॉस। सो इट मीन्स के रिफ्लेक्ट जब आप करेंगे इस लाइक आप उसके ऊपर, ताकि वो आपको हमेशा याद भी रहेगी, आप उसको इतनी जल्दी आसानी से भूल भी नहीं सकते, क्योंकि आपने उसको बेहतर तरीके से उसके ऊपर थिंकिंग की हुई है, आपके थॉट्स उसके अंदर, आपके व्यूज़ उसके अंदर हैं, आपने खुद इसको जो है इम्प्लीमेंट किया हुआ है। सो आप जो है जैसे ये सो इसमें कंसिडरिंग हाउ टू कीप अ रिफ्लेक्टिव राइटिंग, जस्ट लाइक किसी आप इवेंट या ट्रेनिंग में आज आप अटेंड कर रहे हैं, तो इसका अब यहाँ पे तो कम्प्लीटली हम ये चीज़ नहीं डिस्कस कर रहे हैं कि आप किस तरह रिफ्लेक्टिव राइटिंग करेंगे, तो इसको सब कम्प्लीट ट्रेनिंग इसकी हो जाएगी। सो जस्ट गोइंग टू ओरिएंट यू अबाउट दिस प्रोसेस के आप जब किसी भी इवेंट को या ट्रेनिंग सेशन को अटेंड करें, तो उसके लिए हम चंद क्वेश्चंस भी आप लोगों को देते हैं कि व्हाट डिड आई लर्न, तो उसके ऊपर आप रिफ्लेक्ट करेंगे हम लोगों ने क्या चीज़ें की, तो इसमें आप वो चीज़ें डिस्कस करें कि जो आपकी आज की लर्निंग थी, दे मस्ट बी द स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ द लर्निंग, उसमें आपने क्या क्या चीज़ें सीखी और उसके अंदर व्हाट वेंट वेल, उसमें पूरे डे के अंदर, उस इवेंट के अंदर, सेशन के अंदर, उस टॉपिक के हवाले से क्या बेहतर किया, व्हाट वॉज इंटरेस्टिंग देयर। सो ये चीज़ें आप उसके अंदर रिफ्लेक्ट करके लिखें। देन व्हाट कुड आई हैव डन बेटर, आप लोग ने, आप मैंने खुद ने क्या बेहतर तरीके से उसमें क्या इनपुट दिया, क्या उसमें, क्योंकि उसके हवाले से अगर आपको प्रियर नॉलेज एक्सपीरियंसेस हैं, तो कुड हैव बीन ब्रेवर इनफॉर्मिंग ओन इंटरप्रिटेशंस, तो ये आपकी खुद की इंटरप्रिटेशंस क्या है कि हाउ कुड आई हैव डन बेटर,
ठीक है, तो उसमें यहाँ ये चीज़ें भी आ जाती हैं कि व्हाट वाज चैलेंजिंग फॉर यू, आपके लिए क्या चैलेंजिंग था, हाउ यू कैन अप्लाई दैट। सो ये सारी चीज़ें, इनके ऊपर क्वेश्चंस हम रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं इन सम सम टाइम। तो इसको आप के लिए इम्पोर्टेंट है कि आप लोग किस तरह रिफ्लेक्ट कर सकते हैं इसके ऊपर। सो व्हाट सो एवर मॉडल इज दैट, के जस्ट यू हैव टू राइट डाउन पर्टिकुलर रिफ्लेक्शन ओवर दैट। सो फ्यू मॉडल्स ऑफ रिफ्लेक्शन आई एम गोइंग टू शेयर, नॉट गोइंग इन डिटेल्स। थारोली हम उन चीज़ों को देख लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि व्हाट आर द मॉडल्स फॉर द रिफ्लेक्शंस। सो काफ़ी सारे मॉडल्स हैं रिफ्लेक्शंस। एक था मॉडल जिसका नाम था रिफ्लेक्शन बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर लर्निंग प्रोसेस। तो वही सेम चीज़ जो मैंने कहा था। सो इसके अंदर हमारे पास जो रिफ्लेक्टिव है कि बिफोर एन एक्सपीरियंस, बिफोर लर्निंग एंड ड्यूरिंग लर्निंग एंड आफ्टर लर्निंग। सो व्हाट डू यू थिंक माइट हैपन। सो आपके पास पता है कि आपको मैंने कहा भी था कि व्हाट माइट बी द चैलेंजिंग, व्हाट डू आई नीड टू नो आर इन ऑर्डर टू द बेस्ट प्रिपेयर फॉर दिस एक्सपीरियंस। तो ये एक रिफ्लेक्शन लिखने का मॉडल आप कह लें कि इस मॉडल के बेसिस पे आप लिख सकते हैं, अदरवाइज देर इज नो नीड कि आप कोई मॉडल अडॉप्ट कर लें, कोई भी मॉडल हो तो उसके आप खुद अपने तरीके से भी इसको रिफ्लेक्ट के रिफ्लेक्शन कर सकते हैं। आप इसके ऊपर रिफ्लेक्ट करके आप हैंडरिटन में जो है सबमिट कर सकते हैं, किसी भी डे के हवाले से, किसी टॉपिक के अंदर, या कहीं पे भी आप जाएं, जहाँ पे भी जा रहे हैं तो उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करेंगे। बिफोर एन एक्सपीरियंस आपको ये रिफ्लेक्ट कनेक्टिविटी होगी इसके अंदर, कोहेरेंस होगी बिटवीन दीज थ्री एरियाज के अंदर। के आपने आप जब से जो आज टॉपिक लर्न कर रहे हैं ड्यूरिंग एन एक्सपीरियंस, जो ड्यूरिंग अ लर्निंग व्हाट हैपनिंग नाउ एज यू मेक रैपिड डिसीजंस, सो व्हाट आर यूर इनसाइड इमीडिएटली आफ्टर एंड लेटर व्हेन यू हैव मोर इमोशनल डिस्टेंस फ्रॉम द इवेंट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक सिंपल से मॉडल्स हैं कि आप बिफोर योर एक्सपीरियंसेस, बिफोर योर लर्निंग एंड ड्यूरिंग अ लर्निंग एंड आफ्टर लर्निंग, इन तीन चीज़ों को आप कनेक्ट करके एक आप लिख रहे हैं, आप रिफ्लेक्शंस दे रहे हैं। या इसके अलावा एक और गिब्स का रिफ्लेक्टिव मॉडल है, तो गिब्स उसमें कहता है कि डिस्क्रिप्शन व्हाट हैपेंड, देन यू आर गोइंग टू ऐड फीलिंग्स, व्हाट वर यू आर थिंकिंग एंड फीलिंग्स। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर ऐड कर रहा होता है गिब्स। उसके बाद इवेल्युएट करें, जजमेंटल स्टेटमेंट है कि व्हाट वाज गुड एंड बैड अबाउट दी योर एक्सपीरियंसेस, आपको क्या बेहतर लगा उसमें, क्या आपको जो है वो सही नहीं लगा आज के डे में। तो ये सारी चीज़ें कि आप मतलब कि जैसे टॉपिक है कि आप लोग व्हाट आई हैव लर्नड, उसके अंदर आप अपनी व्यूज एंड ये चीज़ें ऐड करें, अपनी फीलिंग्स दे रहे हैं। ठीक, व्हाट वेंट वेल, व्हाट वाज इंटरेस्टिंग फॉर मी मे बी, उसके बाद व्हाट वाज चैलेंजिंग, व्हाट वाज गुड फॉर यू, व्हाट वाज बैड फॉर यू इन दैट लर्निंग, फिर उनको आप एनालाइज कर रहे हैं, व्हाट सेंस कैन यू मेक, आप इसको और बेहतर तरीके से किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उसके बाद कंक्लूजन, व्हाट एल्स कुड यू हैव डन, आप क्या कर सकते हैं इसको, आप किस तरह इसको और मजीद इम्प्रूव कर सकते हैं, आपके इसके अंदर इनपुट क्या होगी। देन फाइनली एक्शन प्लान फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट, तो इट इज़ एरोजर फॉर एग्जाम्पल अगेन, व्हाट वुड यू डू, सो अब आप क्या कर सकते हैं। फिर अगेन जब आप इसको जाकर प्रैक्टिस करें, रिफ्लेक्ट करें, फिर अगेन आप इस कंटिन्यूस प्रोसेस, फिर अगेन दिस विल स्टार्ट फ्रॉम दैट। सो इसके लिए काफ़ी सारे और भी मॉडल्स आपको मिलेंगे, तो आप खुद भी इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। सो रिफ्लेक्टिव राइटिंग स्टाइल इज़ अप टू यू, के आप इसमें डिफरेंट तरीके से आप लिख सकते हैं। इसके अंदर रिफ्लेक्टिंग टास्क में अलो यू टू यूज़ डिफरेंट मोड्स ऑफ राइटिंग एंड लैंग्वेज, तो आपके ऊपर है कि इट्स अ डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्रेसिव और एनालिटिक एंड एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। डिस्क्रिप्ट में व्हाट, व्हेन, हु, आउटलाइनिंग व्हाट समथिंग इज, इसके अंदर एक्सप्रेसिव, आई थिंक, आई फील, आई नोटेड, तो इस तरह की जो है आप राइटिंग स्टाइल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एनालिटिकली एक्सप्लेनेटरी में हाउ, व्हाई एंड व्हाट इफ, सो इस तरह के व्हेन यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन हाउ इट कम अबाउट, एनालाइजिंग व्हाई इट इज़ लाइक दैट। सो जब आप इसको क्रिटिकली एनालाइज कर रहे हैं, एनालिटिकल एनालाइज चीज़ों को कर रहे हैं और उसको एनालिटिकली आप जो है उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो वहाँ पे इस तरह की राइटिंग स्टाइल यू कैन अडॉप्ट दैट। ओनली अगर कोई डिस्क्रिप्टिव मैनर में है, जस्ट यू आर गोइंग टू आउटलाइन दैट के टुडे वी हैव लर्न दिस 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 एंड वी दैट दैट, ये चीज़ें इस तरह आप जो कर सकते हैं। अगर किसी में आप एक्सप्रेसिव मैनर में आप लिखना चाहते हैं कि उसमें आई थिंक, आई फील, आई नोटेड की तरह जिस आप वर्ड्स जो है वो यूज़ करते हैं, इस तरह जो है ये कॉम्बिनेशन है आपकी इन दैट। सो रिफ्लेक्शन इज़ अ यूजफुल प्रोसेस इवन इफ़ यू हैव नॉट बीन असाइड अ स्पेसिफिक रिफ्लेक्टिव असाइनमेंट।
It helps you to make sense of and learn from your own experiences. And this is to allow you to demonstrate that you can think critically about your own skills or practice in order to improve and learn. So it is important to analyze rather than just describe the things. This one is important of the whole summary. It is important to analyze. आप उसके ऊपर क्रिटिकली एनालाइज कर रहे हैं, उस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं रादर देन जस्ट डिस्क्राइबिंग. डिस्क्राइबिंग मीन्स कि जस्ट आप लिख रहे हैं ये चीज़ें, एज वी हैव डन दिस एंड टॉपिक का नाम लिख दिया उसके. मोस्टली क्या करते हैं जैसे लेसन प्लान, तो लोग स्टार्ट कर देंगे टुडे वी हैव लर्न अबाउट द लेसन प्लान. लेसन प्लान हैव इंफॉर्मेशन पार्ट, देन लेसन प्लान इज बेस्ड ऑन ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी एक्सेट्रा अप टू असेसमेंट तक, ये पूरा लिख के आ जाता है डिस्क्रिप्टिव मैनर में. सो ये दिस इज नॉट कॉल्ड के लेसन प्लान इज पर्टिकुलर, बट वेन यू आर गोइंग टू क्रिटिकली रिफ्लेक्ट एनालाइज दैट लेसन प्लान लर्निंग होल डे लर्निंग, तो इससे क्या होगा आपकी लर्निंग और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी, बेहतर तरीके से आप इसको कर सकते हैं. सो डिस्क्राइब द थिंग्स यू आर रिफ्लेक्टिंग ऑन इट एंड टू एम्फेसाइज हाउ यू विल अप्लाई एंड व्हाट यू हैव लर्न्ड. सो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. मैं कोशिश करता हूँ कि जब भी टीचर्स आते हैं तो उसको कहता हूँ कि आप रिफ्लेक्ट इस तरह करें कि ये जो टॉपिक आज हमने पढ़ा है टीचिंग मेथड्स के ऊपर, तो आप इसके ऊपर रिफ्लेक्ट करें इन मेथड्स के ऊपर, जनरल पेडागोजी जो हमने डिस्कस की है, कि आप इसको कहाँ पे और किस तरह इसको जो है आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, आप किस टॉपिक के साथ इसको इस कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, किस सब्जेक्ट के अंदर सूटेबल मेथड्स ये यूज़ हो सकते हैं एंड हाउ यू कैन अप्लाई दैट. तो उसके लिए फिर आप जो है किस तरह इसको प्लान करेंगे, उसका किस तरह लेसन प्लान डेवलप करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपकी रिफ्लेक्टिव राइटिंग में इस तरह होनी चाहिए ताकि आप मज़ीद बेहतर कर सकें अपनी लर्निंग को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें. सो दिस वॉज जस्ट ओरिएंटेशन अबाउट दी अबाउट रिफ्लेक्टिव राइटिंग के बारे में, रिफ्लेक्शंस के ऊपर, व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन एंड हाउ टू व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ रिफ्लेक्टिव राइटिंग. होप कि आपको लिटिल बिट आइडिया क्लियर हो गया होगा. तो इन फर्दर लेक्चर्स में ये डिस्कस करेंगे कि कंप्लीट रिफ्लेक्टिव राइटिंग प्रोसेस एंड रिफ्लेक्टिव राइटिंग किस तरह लिखी जाती है. सो तब तक थैंक यू सो मच. एंड जिस मारो के जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, मोस्टली मेरे टीचर कम्युनिटी है, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मज़ीद और वीडियोज़ मिलते रहें, मेरे लेक्चर्स आपको अब तक पहुँचें. थैंक यू सो मच वंस अगेन. अल्लाह हाफिज़.